अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ टाइटल पे देख रहे हैं थंबनेल पे कि आज हमारी क्लास 21 है यानी 21 क्लास है और हमारा टॉपिक जो है वो डेटा वैलिडेशन है एक्सेल में। जो डेटा वैलिडेशन है ये क्या होती है? ये वैलिडेशन होती है जो कि मुख्तलिफ चीज़ों पे लगाते हैं हम। आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी वैलिडेशन लगी हुई होती है कि आपको इसको कैपिटल लेटर में करना है, आपको 10 वर्ड्स का नाम लिखना है, आपको यहाँ पर सिर्फ मेल या फीमेल के दो एम या एफ लिखना है, या आपको एज जो है वो 20 से जो है 35 तक लिखनी है। ये वैलिडेशंस होती हैं। कोई भी चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड हो किसी चीज़ पर तो वो वैलिडेशन लगाई जाती है कि आप इससे ज़्यादा या इससे कम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप नंबर सैलरी एंट्री कर रहे हैं तो सैलरी पे एक वैलिडेशन लगी हुई है कि आप 10,000 से कम और 50,000 से ज़्यादा सैलरी की एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपके पास एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये चीज़ डेटा वैलिडेशन कहलाती है। डेटा वैलिडेशन जो है इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, डेटा वैलिडेशन की सारी कंडीशंस कवर करेंगे, क्राइटेरिया इसका देखेंगे, वैल्यूज़ और होल नंबर, डेसिमल नंबर, लीस्ट डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, तमाम चीज़ें देखेंगे, सर्कल इनवैलिड डेटा देखेंगे हम, क्लियर वैलिडेशन देखेंगे, इसके अलावा सेटिंग्स देखेंगे, इनपुट मैसेज, अलर्ट मैसेज और क्लियर मैसेज के अलावा हम GPT से जो है इनपुट मैसेज लिखवाएंगे, अलर्ट एरर अलर्ट मैसेज भी लिखवाएंगे, उसका टाइटल भी लिखवाएंगे और इनपुट का टाइटल भी लिखवाएंगे और मैसेज भी लिखवाएंगे। तो ये काम हम करेंगे आज अपनी इस क्लास में। लेकिन इस क्लास में आपको बहुत तवज्जो से इसकी वीडियो को समझना होगा और इसकी वीडियो को करना होगा। इसमें जो है ये ज्वाइनिंग वीडियो है क्योंकि मैंने पहले बनाई हुई थी और उसके अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है। तो मैंने एक नई आपके साथ जो है मर्ज वीडियो करके और इसको मैं वो कर रही हूँ। क्लास में तो मैं समझाती हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए कंबाइन कर रही हूँ कि ये मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। आप देखें स्टूडेंट एक्सेल की जो भी वीडियो है ना, बल्कि हर किसी की वीडियो आप ज़रूर देखा करें क्योंकि ये वीडियोस मैं बना रही होती हूँ सुकून से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ। और क्लास में आपको पता है इतनी डिस्टर्बेंस होती है, उसमें नए एडमिशन भी आ जाते हैं, उसमें किसी की कोई पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें मैं जब जहन बढ़ता है तो कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें, टाइम निकालें, वीडियो देखने की आदत डालें, क्योंकि आगे आपको हर चीज़ तो मैं नहीं कराऊंगी ना। जब आप यहाँ से छोड़ देंगे, जो लेटेस्ट चीज़ें आएंगी वो आप वीडियो से ट्यूटोरियल से ही सीखेंगे। तो अभी से ही आदत डालिए ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो करना है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से, लेकिन हम इससे पहले अपने सिलेबस पर जाएंगे और सिलेबस में जाके हम जो है चीज़ें देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। देखिए डेटा वैलिडेशन में डेटा शीट पे अगर आप आएँ तो आप यहाँ पर डेटा शीट पे कोई भी डेटा शीट बना लें, कोई भी डेटा शीट पे आप डेटा लगाएं, लेकिन डेटा शीट पे आपको जो है यहाँ पर डेट का, यहाँ पर जो है आप किसी भी शीट पे यहाँ पर अगर आप वैलिडेशन, यहाँ पर जब आप डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक सेटिंग्स, एक इनपुट मैसेज, एक एरर एड अलाउ में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें, मैं बताती हूँ। एक आपका डेटा होता है, एक आपका स्टार्ट, एक आपका डेटा होता है उसकी वो होती है, एक इग्नोर ब्लैंक और ये तमाम चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, इसमें डेसिमल का भी होता है, होल नंबर का भी होता है और इसमें इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें इसकी बताई गई हैं कि इसमें किस तरह से आप मैक्सिमम नंबर, किस तरह से मिनिमम नंबर ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इसीलिए सिखाई गई हैं कि इसमें आप चीज़ें कर सकें, इसमें आप चीज़ें देख सकें। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये चीज़ें, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको जो है, एक मिनट रुके मैं ज़रा ये भी देख लूँ कि मैंने लिस्ट बनाई हुई तो नहीं है। नहीं मैं वरना एक्सेल पहले जाके आपको दिखाऊँगी पहले चीज़ें कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सेल पर जाऊँ और एक्सेल पे जाके कुछ चीज़ें टाइप करके मैं आपको डेटा वैलिडेशन का सिर्फ ओवरव्यू दिखा रही हूँ, यहाँ जो है आपको बाकी की चीज़ें आगे मिलेंगी, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया यहाँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा वैलिडेशन लगा दी। डेटा वैलिडेशन मेरी कहाँ होती है? जाहिर सी बात है डेटा वैलिडेशन मेरी डेटा में, और यहाँ पर मैं आऊँगी डेटा वैलिडेशन पर आ जाऊँगी। डेटा वैलिडेशन में जैसा कि डायलॉग बॉक्स मैंने खोला था, पहले इस डायलॉग बॉक्स को समझ लें। डायलॉग बॉक्स मैंने जो खोला था वो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स था। इसके अंदर सेटिंग है, इसके अंदर इनपुट मैसेज है, इसके अंदर एरर अलर्ट मैसेज है।
जो सेटिंग है इसके अंदर आपकी वैलिडेशन क्राइटेरिया है, वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ है और डेटा है, और आपका अलाउ में आपके यहाँ पर ये हैं, अगर आप इसमें होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टैक्स लैंड है, कस्टम है, मैं नहीं जाना, होल नंबर लेते हैं तो होल नंबर के नीचे आपकी ये डेटा आ जाता है, आपको क्या रखना है होल नंबर में, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये तमाम चीज़ें आती हैं इसमें से आप लेने, लेस देन ग्रेटर देन रखोगे तो आपको मिनिमम मैक्सिमम नंबर देना पड़ेगा। डेसिमल अगर आप लेंगे डेसिमल में आपको डेसिमल वैल्यू देना पड़ेगी यहाँ पर, जो कि मैं समझाऊंगी आपको। लिस्ट लेंगे तो लिस्ट में लिस्टिंग आएगी आपकी, लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा आपको। इग्नोर ब्लैंक इसलिए लगाए, चेक के जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो इग्नोर कर दे और ड्रॉप डाउन से सेल जो है वो फॉलो करें। ड्रॉप डाउन इसमें बनेगा, डेट में आप डेट लेंगे, यहाँ पर डेट में भी बिटवीन या जो भी आप, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर डेट को हम हटा दें, टाइम देखें तो टाइम में भी हमारे पास ये चीज़ें आती हैं। ये सारा डेटा सबके लिए एक ही है, लेकिन हमें इसको लगा के अलग अलग उसको करना है। टैक्स लैंड पे हमारे पास टैक्स फॉलो करेंगे हम, यानी कि फैक्ट्स लेंगे हम, फिगर नहीं, फैक्ट्स पे ये अप्लाई होगा, तो फैक्ट्स में हम किस तरह से करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो आपने ये डायलॉग बॉक्स देख लिया, तो मैं इसीलिए आपको यहाँ लाई कि मैं आपको डायलॉग बॉक्स दिखा सकूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम GPT पे। देखिए अब यहाँ पर ये सेटिंग है और यहाँ इनपुट मैसेज है। अब देखिए सेटिंग मैंने कोई भी ले ली, यहाँ पर फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर जो है ये ले लिया होल नंबर, और होल नंबर मैंने ले लिया बिटवीन 10 to 50, सही है, ये मैंने होल नंबर ले लिया। ये तो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी आप GPT को किस तरह से लिखवाएंगे वो पूछना है आपने। अब इसका इनपुट मैसेज आपको देना है। इनपुट मैसेज में मैंने होल नंबर लिया है और मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 50 है। तो मैंने जो है यहाँ पर आती हूँ मैं GPT पे, और GPT पे आके मैं इससे कहती हूँ राइट अ शॉर्ट, राइट हेडिंग, या यहाँ पर जो है हम वो ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास राइट अ टाइटल और इनपुट मैसेज, ठीक है ना। हम यहाँ पर देंगे राइट अ टाइटल एंड शॉर्ट इनपुट मैसेज, इनपुट मैसेज फॉर होल नंबर होल नंबर लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 50 फॉर डेटा वैलिडेशन इन एक्सेल, सही है। अब ये मैंने दे दिया, देखते हैं क्या बना के देता है। देखिए इसने कितना अच्छा बना के दे दिया, इनवैलिड एज रेंज एंटर अ होल नंबर बिटवीन 10 to 10 and 50 इन दिस सेल फॉर वैलिड डेटा। अब यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर एज में हम देते हैं, यहाँ पर अगर आपका कोई और कस्टमर नंबर है तो आप उसको बताएंगे कि यहाँ पर जो है होल नंबर किसके लिए, कस्टमर नंबर के लिए, तो वो आप दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये तो आपका आ गया इनपुट मैसेज, ठीक है ना। इनपुट मैसेज इसने बना दिया, आपने कॉपी करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। जिस तरह से मैं यहाँ पर करके आपको बता देती हूँ, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद मैंने इसका यहाँ पर, आप लोगों को वो मसला होता है ना कि आप लोगों को इंग्लिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये चीज़ मैं बताती हूँ, ठीक है। और ये ले लिया आपने, इसके बाद जो है आपने यहाँ पर आके ये ले लिया, ये आपका हो गया। अब एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में भी आपको एक टाइटल देना होता है और एक एरर मैसेज देना होता है, तो इसके लिए भी हम जो है यहाँ पर आएंगे और हम इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और सिर्फ यहाँ चेंज कर देंगे इनपुट मैसेज के बजाय हम यहाँ एरर अलर्ट कर देंगे, एरर अलर्ट, सही है। यहाँ बस ये इसकी जगह ये आ जाएगा। देखिए इनवैलिड रेंज इसने दे दिया, यही आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा तो वो चेंज दे देगा, कोई मसला नहीं है।
चेंज करके देता है। यहाँ पर देखिए मैंने चेंज करके दिया हुआ है, ये देखिए इसने ये बनाया है, रिक्वायर्ड फील्ड इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर इनवैलिड एंट्री दिया हुआ है, यहाँ पर आप इनवैलिड एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर आप जो है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने मैसेज चेंज कर दिया है, लेकिन ये चीज़ इसने जो है सेम कर दी है। तो यहाँ पर आप इनवैलिड एंट्री भी कर सकते हैं, ये एरर अलर्ट में आता है इनवैलिड एंट्री। तीन चार चीज़ें लिखवा लीजिएगा ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो कर लें। और यहाँ पर जो है आप इसका जो इसका वो आया है मैसेज वो आप ले लें, ठीक है ना, यानी कि एरर अलर्ट का मैसेज तो चेंज आया है ना, तो हम मैसेज चेंज कर देते हैं, ये आपके पास हो जाएगा। तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो है वो दे देंगे, ठीक है। आप इनपुट मैसेज भी लिखवा सकते हैं यहाँ पर, वो भी कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। डेटा एंट्री में जाके वो करके हर चीज़ आपकी होगी, वो मैं आपको डायरेक्ट क्लास में जो है वो बताऊँगी किस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपकी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GPT आपका बहुत अच्छा इस ईयर का आपके लिए टूल है, जो कि आपके हर इंग्लिश की मुश्किल को आसान करता है। आपने इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो करते हुए इसको यूज़ करना है। अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं और अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, या ना हो आप दोनों पे काम कर सकते हैं। शीट आपकी अगर कोई खुली हुई है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं, और शीट आपकी अगर नहीं है, आपकी ब्लैंक है, आप उस पर भी डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखें आप एक वैलिडेशन समझ लें सिंपल। वो सिंपल वैलिडेशन ये होती है कि कोई भी चीज़ लिखी हुई आए। अब जैसे ये कॉलम है, जी कॉलम है, जी कॉलम में यहाँ पर जो है नेम है, एक फील्ड नेम की है। अब यहाँ पर आपने ये देना है कि ये नेम जैन, ये नेम जो है वो आपके सिर्फ नेम ही आए, यहाँ यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं आ सकते, कोई नंबर नहीं देने आपने, ये वैलिडेशन आपकी है। तो इससे पहले यहाँ पर किसी को क्या पता कि यहाँ पर नंबर नहीं दे सकते, वो नंबर भी दे सकता है नेम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा देती हूँ मैं, कितनी जगह पे, इतनी जगह पे, ठीक है। और यहाँ पर वैलिडेशन के लिए कलर आपको देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता, बल्कि मैं कलर नहीं दे रही अभी ताकि आपको बता सकूँ मैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन जो है आपकी डेटा के अंदर है, ठीक है ना, यहाँ पर आएंगे, ये डेटा वैलिडेशन है आपकी, सही है। यहाँ मैं कुछ भी नहीं दे रही, यहाँ पर देखिए अगर आप इसके डेटा वैलिडेशन में देखें, एक सेटिंग है इसकी, एक इनपुट मैसेज है, एक एरर अलर्ट मैसेज है, ठीक है ना। अभी हम सब समझेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल वैलिडेशन जहाँ पर मैं देना चाह रही हूँ कि यहाँ सिर्फ आप कैरेक्टर्स दे सकते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टर्स अलाउ। तो यहाँ पर बस इनपुट में मैं दे देती हूँ इंस्ट्रक्शन, ओनली कैरेक्टर्स आर अलाउड, सही है। देखिए ये आ गया आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर आएंगे ये आ गया, यहाँ पर आएंगे ये आ गया, यहाँ पर आएंगे ये आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं है। जहाँ तक आपकी डेटा वैलिडेशन है वहाँ तक आएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर डेटा वैलिडेशन दी हुई है? आप जब होम में होते हैं तो यहाँ पर आके, जब आप यहाँ आते हैं तो डेटा वैलिडेशन जैसे ही करोगे, यहाँ पर आते हैं आप डेटा वैलिडेशन जैसे ही करेंगे, ये सिलेक्ट होगा कि यहाँ पर आपने वैलिडेशन लगाई हुई है, सही है। और वैसे हम जो है अपनी याददाश्त के लिए यहाँ पर ये कर देते हैं कि भाई यहाँ पर वैलिडेशन लगी हुई है, जैसे हम रखेंगे देखिए आपके सामने आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है कि ओनली कैरेक्टर्स आर अलाउड, सिर्फ कैरेक्टर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का नॉर्मल आपने एक शॉर्टकट मैंने बताई है जिसके अंदर आप ये दे सकते हैं, जिसके अंदर आप ये चीज़ होगी, ठीक है। अब आपने ये दे दिया, अब हम चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, शॉर्टकट जो डेटा वैलिडेशन की है वो है ऑल्ट ए वी वी, ठीक है ना, ऑल्ट ए वी वी। ये जितनी भी मैं शॉर्टकट बता रही हूँ ना आपको, अभी मैं एक्सेल ट्रिक्स एंड की कमांड टिप्स की लूँगी, उसके अंदर शॉर्टकट भी कराऊँगी, लेकिन अभी जितनी करा रही हूँ याद रखिएगा, मैंने गोल सिक्की भी बताई थी, क्या थी गोल सिक्की, हैं, ऑल्ट ए डब्ल्यू जी, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखनी है। अब देखिए, अब आ गए हम मेन उस पर, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपको वैलिडेशन लगानी कहाँ है, ठीक है ना। सिलेक्शन हम कर लेते हैं यहाँ पर, ईशा आहिस्ता बोलिए, ठीक है ना। यहाँ पर वैलिडेशन मुझे यहाँ लगानी है, मैं इसको थोड़ा सा कलर शेयर कर लेती हूँ ताकि याद रहे, और मैं ऑल्ट ए वी वी कर लेती हूँ यहाँ पर। अब देखिए वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स को समझ लीजिए, ये डायलॉग बॉक्स क्या है।
इस डायलॉग बॉक्स में सेटिंग है, हसनैन ये समझ लो, ठीक है ना। इस डायलॉग बॉक्स में इनपुट मैसेज है, इस डायलॉग बॉक्स में अलर्ट वो है, यानी ये टैब्स हैं, एक सेटिंग का टैब है, एक इनपुट मैसेज है, एक अलर्ट मैसेज है। अब देखिए यहाँ पर सेटिंग के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया में मज़ीद चीज़ें क्या क्या आप अलाउ कर सकते हैं। वैल्यू मैंने बता दिया आपको, एनी वैल्यू में आप कुछ भी दे सकते हैं जो यहाँ पर मैंने दी है, ठीक है। होल नंबर अभी हम देखेंगे, डेसिमल हम देखेंगे, लिस्ट हम देखेंगे, डेट हम देखेंगे, टाइम, टैक्स लेंथ हम देखेंगे, कस्टम हम नहीं करेंगे अभी, हमें इतना वो नहीं है। यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। इनपुट मैसेज देना सीखेंगे, एरर अलर्ट मैसेज देना सीखेंगे। एरर अलर्ट में भी तीन तरह के मैसेजेस आप दे सकते हैं, एक स्टॉप का, एक वार्निंग का, एक इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। सबसे पहले हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में एनी वैल्यू ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। नाउ वी स्टार्टेड होल नंबर्स। होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर्स में यहाँ पर जब आते हैं तो बिटवीन देना है, ये आपने फिल्टर में भी मैंने आपको कराया है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आपको कराया है, तो इसमें से आप यूज़ करेंगे। अभी हम बिटवीन वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि बिटवीन, यहाँ पर होल नंबर देने हैं। होल नंबर वो होते हैं जो आपके विदाउट डेसिमल होते हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, जो विदाउट डेसिमल होते हैं, सही। मैंने कहा 10 से और 50 तक यहाँ पर नंबर आप दे सकते हैं। अभी मैं कोई इनपुट नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही, सिर्फ यहाँ पर दे रही हूँ 10 से 15 तक, ठीक है ना। ओके गया, मैंने यहाँ पर आ गई। अब देखिए किसी को क्या पता है 10 से 15 तक, 10 मैंने दिया ठीक है वो ले लेगा, लेकिन मैंने 8 दे दिया तो वो एरर दे रहा। अब किसी को क्या पता कि यहाँ क्या देना है। यहाँ पर आना चाहिए ना कि भाई आपके पास ये अलाउड है, तो ये इनपुट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम मैसेज देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स भी देंगे और अलर्ट बॉक्स वो होता है जिसमें आप ये रीट्राई करें, कैंसिल करें या हेल्प करें, ठीक है ना। रीट्राई मैं करती हूँ, रीट्राई करने के बाद मैं यहाँ पर 20 दे देती हूँ, ठीक है। अगर मैं 55 देती हूँ तो ये फिर मुझे एरर दे देगा, ठीक है। कैंसिल करूँगी तो ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब यही मैं सेलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट करके मैं जो हूँ डेटा वैलिडेशन में आती हूँ और डेटा वैलिडेशन में आके एक इनपुट बॉक्स लगाती हूँ, ठीक है ना। इनपुट में आप टाइटल दें, टाइटल में आप जो है क्या देना चाह रहे हैं, नंबर्स, ठीक है ना। आप यहाँ पर हेडिंग दे दें नंबर अलाउड, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं, वो भी देता है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप दे रहे हैं के एंटर नंबर्स बिटवीन 10 to 50 ओनली, सही है। 10 to 50 ओनली, ये मैंने दे दिया, ओके। अब देखिए कोई दे रहा है तो उसके सामने ये इनपुट आ रहा है कि उसे पता है कि इतना ही नंबर देना है, ठीक है ना। अगर वो इसके अलावा देगा तो जाहिर सी बात है एरर आएगा, लेकिन इसके अंदर देगा तो एरर नहीं आएगा। अब ये एरर भी मैं चाह रही हूँ अलर्ट, ये वो है, ये आपका जो आ रहा है वो अलर्ट बॉक्स है। अलर्ट बॉक्स भी मैं अपनी मर्ज़ी का चाह रही हूँ कि मेरी मर्ज़ी से आए, ठीक है। तो वो आप कैसे देंगे वो भी हम ले देते हैं यहाँ पर। अभी तो आपने इनपुट देना सीखा, अब हम अलर्ट दे देते हैं। डेटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट में आ गए हम। स्टॉप, पहले हम स्टॉप देखेंगे, हम तीनों देखेंगे। टाइटल यहाँ दे दिया इनवैलिड नंबर, जाहिर सी बात है एरर जो आया है वो आपने नंबर ही इनवैलिड दिया है, ठीक है ना। नंबर्स अलाउड, आप ये भी दे सकते हैं एज पर इंस्ट्रक्शंस जो आप पहले दे चुके हैं, या आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं कि 10 to 50, ठीक है ना। आप वो भी दे सकते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हम दे चुके हैं, ठीक है ना, कि आपके 10 to 50 है। और यहाँ ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये दे दिया, सही है, ओके कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर वॉयलेशन करती हूँ, नंबर गलत देती हूँ, ठीक है ना। अभी तो मैंने नंबर सही दे दिया, लेकिन नंबर मैं गलत देती हूँ तो ये मुझे देगा, ठीक है, नंबर अलाउड 10 to 50। अजान हो जाए तो फिर हम, तो यहाँ पर आपका नंबर्स अलाउड 10 to 50। अब देखिए जो स्टॉप वाला आपका अलर्ट एरर है उसमें आप या तो रिट्राई करके उसे सही करें या कैंसिल करें।
हेल्प से हेल्प देता है। ये दो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो रीट्राई करें, और रीट्राई करने के बाद आप इसे एज़ पर इंस्ट्रक्शंस जो चीज़ें हैं उसके लिहाज से दीजिए, ठीक है, या फिर आप गलत दे रहे हैं और आपका यहाँ पर एरर आ रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ आती है आपकी, और ये इनपुट आ रहा है आपका, और यहाँ पर हमने वैलिडेशन लगाई हुई है, ठीक है ना। ऑल्ट ए वी वी दोबारा करते हैं हम। अब हम स्टॉप के बाद आते हैं वार्निंग बॉक्स पे, यही रहने देंगे हम, लेकिन वार्निंग बॉक्स देखें, स्टॉप में रेड आ रहा होता है ये मार्क, और आपका वार्निंग में जो है येलो मार्क आ रहा है। अब वार्निंग में क्या देता है ये आपके सामने मैं करती हूँ, और देखिए आप के वार्निंग में क्या दे रहा है। ये 60 दिया मैंने, ये कह रहा है कि नंबर्स अलाउड 10 to 50, आपका एरर है, आप कंटिन्यू करना चाहें इसी को कंटिन्यू कर लें, इसमें ये ऑप्शन है आपके पास। अगर नो करेंगे आप तो वापस ही आ जाएंगे, आप से सही कर लें, और अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करके वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने यस कर दिया यहाँ तो यस करके मैं आ गई, उसने आपको परमिशन दे दिया, वार्निंग में वार्निंग दे देगा आपको, फिर आपकी मर्जी है आप वो गलत नंबर डालना चाहें आप डालें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ, और मैं यहाँ पर जो है, अच्छा वहाँ पर मैंने लगाया नहीं, मैंने एक पे ही लगाया है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं की मैंने, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ आ रहा है। मैं यहाँ पर 85 दे रही हूँ और यहाँ पर आती हूँ, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं इसको नो कर देती हूँ, तो नो से क्या होगा कि आपका नो में ये आ गया, अब आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना, एडिट कर सकते हैं कि आप 32 एडिट कर लें, ये इसके अंदर आ जाएगा, सही है। और कैंसिल से क्या होगा कि रिमूव कर देगा, सही है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर देती हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाती हूँ दोबारा, और यहाँ पर जो है मैं स्टॉप हो गया, यहाँ पर वार्निंग हो गया मेरा, ठीक है। वार्निंग में आपका यस और नो आता है, ठीक है, कैंसिल तो ऑलरेडी उसमें भी था, और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में ब्लू आता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, आप गलत डालना चाहें डालिए, बस इन्फॉर्म कर दिया उसने आपको कि भाई ये चीज़ जो है यहाँ पर गलत है आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्म कर दिया उसने आपको। नंबर अलाउड 10 to 50 है, आपको अगर ओके कर दें आप, हाँ मुझे तो यही चाहिए, ठीक है ना, तो आपको वो कहेगा कर लो, अगर चाहिए तो, उसे कोई एतराज़ नहीं, उसने बता दिया, बताना उसका काम था, ठीक है ना। वो ये नहीं कह रहा कि नहीं करो, वो स्टॉप वाले में कि आप जब तक सही नहीं करेंगे आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर 45 दिया ये कर लेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने 65 दिया वो कर देगा, कैंसिल करूँगी मैं, कैंसिल करके वापस आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि यहाँ पर तीनों चीज़ें आपकी ये थी, यानी डेटा वैलिडेशन में ये चीज़ आपने देख ली, ये चीज़ देख ली, इसमें सिर्फ अभी हमने होल नंबर देखा, इनपुट देख लिया, अलर्ट, इनपुट अलर्ट समझ में आ गया आपका, अलर्ट इनपुट में आप जो है जो इनपुट देंगे वो आपका यहाँ पर मैसेज के तौर पे आएगा, और एरर अलर्ट जो है वो तीन तरह के हैं। स्टॉप में आपको जब तक आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक आप सही नंबर नहीं टाइप करते या आप ब्लैंक नहीं छोड़ते। इन्फो वार्निंग में आपको वार्निंग देगा कि भाई वार्निंग दे दी है उसने, बता दिया है, आप यस करेंगे तो वही वैल्यू में जाएंगे, नो करेंगे तो नई वैल्यू आप टाइप करके जो एज पर इंस्ट्रक्शन है उसमें जा सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्म कर देगा आपको, आप ओके करके आगे बढ़ जाएँ, कोई मसला नहीं है, सही है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब देखिए यहीं पर मैं आगे बता रही हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर एक मैंने जो वो दिए यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन में एक सर्कल इनवैलिड डेटा है, सर्कल इनवैलिड डेटा में वो सर्कल कर देगा ये जिसमें इनवैलिड डेटा आपने दिया हुआ है। इन दोनों में आपने इनवैलिड डेटा दिया हुआ है, यानी इसमें आपने वार्निंग का नहीं लिया, इसमें आपने इन्फॉर्मेशन का और वो दिया हुआ है वार्निंग का, तो आपको तो ये सर्कल आपको इसलिए वहाँ सर्कल जब ही बनाएगा जब आपने इनवैलिड डेटा एंट्री की भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये मैंने इसके लिए हाथ के हाथ बता दिया कि यहाँ पर आपको मैंने डेटा वो क्लियर सर्कल, क्लियर सर्कल हो गए। अगर आपको जो है यहाँ पर वैलिडेशन क्लियर करना है तो आप जो है यहाँ पर क्लियर ऑल कर देंगी तो सारी वैलिडेशन आपकी ओके हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर हो गई, सही है, आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ले रही हूँ इतने हिस्से पे, इतने हिस्से पे मैं जो जा रही हूँ यहाँ डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर देखिए स्टॉप का मैसेज भी ख़त्म हो गया, इनपुट का भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ये भी आ गया डेसिमल। डेसिमल में मिनिमम डेसिमल आपको कितने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक आप डेसिमल देना चाहते हैं। मैं जो हूँ डेसिमल नंबर देना चाहती हूँ जनाब 3.99 से, ठीक है ना, 10.999 तक आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर
अब आप यहाँ पर ये दे सकते हैं, ठीक है ना। होल नंबर में आप पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद चीज़ें नहीं आती हैं, नीचे दिया हुआ है, मैं अभी लगा के दिखा दूंगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा 3.99 से 10 पॉइंट, ठीक है ना, 5.326, ठीक है, ले लिया इसने। अगर मैं 2 पॉइंट, देखिए एरर दे दिया आपको क्योंकि 3 पॉइंट से मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं देती हूँ 8.685, ठीक है, ये आ गया 9 पॉइंट, ले लिया 10.9.99 लिया ना मैं, 10 के लिए यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगाई है मैंने, शायद 10 पॉइंट लिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एरर आ गया, सही है, यहाँ पर ये हो गया। अच्छा यहाँ पर वैलिडेशन पहले की लगी हुई है, अगर मैं यहाँ पर देती हूँ 40.36, वैलिडेशन नहीं लगी हुई, हाँ ठीक है ना। यहाँ पर मैं जाती हूँ और यहाँ पर मैं होल नंबर की वैलिडेशन लगा देती हूँ, मैं उसमें आपको बताया नहीं है इसलिए मैं दोबारा से देना चाह रही हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगी हुई, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ मैं, होल नंबर दे देती हूँ, कहाँ से 10 to 30, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं 10 to 30 देती हूँ, 10 से 10.365, ठीक है, एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल हमने नहीं देना है, ठीक है। 10 ले लिया मैंने, अगर मैं यहाँ 12.3 देती हूँ एरर दे देगा, ठीक है। तो जहाँ डेसिमल आपने यूज़ किया हुआ है वहाँ आप डेसिमल दे सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन ये है कि आपने अगर डेसिमल की डेटा वैलिडेशन दी हुई है तो आपका लेगा ये। डेसिमल के बाद आप नंबर दे दें कोई मसला नहीं है, लेकिन डेसिमल की जो वैल्यू मैंने दी है स्टार्टिंग 3 और एंडिंग 10, उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आने के बाद हम जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं, ठीक है, आवाज़ वो कर दीजिए इसकी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि डेटा वैलिडेशन में आएंगे, आपने देख लिया होल नंबर हो गया, डेसिमल, लिस्ट हम अभी करते हैं, डेट में आ जाते हैं। अब आपने डेट दी हुई है, यहाँ पर डेट दी हुई है आपने, यहाँ पर देखिए अब स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, ठीक है, 2002 की डेट दे रही हूँ मैं, सही है। मैंने कहा फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डेट, और पहले मंथ आता है ना कंप्यूटर में, आप सबको पता है, 2002, ठीक है। मैंने कहा 12 मंथ 30 डेट, और ठीक है ये मैंने वैलिडेशन लगा दी इसमें, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको कलर भी दे दिया ताकि याद रहे कि यहाँ पर लगी हुई है वैलिडेशन, और यहाँ पर ये दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा मंथ 4 12 to 20, ठीक है ये आ गया, ठीक है। और मैंने कहा इसे 2 मंथ्स और 13 डेट और 3, देखिए एरर आ गया। अब यहाँ अगर आप इनपुट लगा देंगे तो पता रहेगा एंट्री करने वाले एंड यूज़र को कि भाई 2002 की डेट देनी है हमें, ठीक है ना। उसको तो नहीं पता ना, वो यहाँ चेक करता रहेगा क्या देना है क्या देना है। भाई यहाँ पर इनपुट बॉक्स आएगा तो आपको पता चलेगा ना, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आएगी तो पता चलेगा ना। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से देते हैं हम, इनपुट से। तो आप इंस्ट्रक्शन क्या देंगे यहाँ कि आप जो है डेट, यहाँ पर देखिए आप देख लीजिए किस तरह से देनी है, इंस्ट्रक्शन भी एक और बता देती हूँ मैं, बाकी तो आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। ऑल्ट ए वी वी, ठीक है, यहाँ पर अब आप यहाँ आ जाएंगे इनपुट बॉक्स। अच्छा वैलिड डेट कुछ भी दे सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। प्लीज फॉर्मल आप देना चाहें मैसेज, एंटर
ठीक है, ये आ गया इनपुट। अलर्ट आप देंगे, ऊप्स, इनवैलिड डेट, ठीक है, ये हमने दे दिया और ये आ गया, ओके कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दे रहा ही है, अगर इसके बावजूद भी आप गलत देंगे तो वो फिर ये मैसेज आपको देगा। अभी तो मैं दे रही हूँ, ठीक है ले लिया इसने, सही, लेकिन मैं दे रही हूँ ठीक है, क्या दे रहा है ये, ऊप्स ऊपर आ रहा है, इनवैलिड डेट, रीट्राई, क्योंकि स्टॉप लगा हुआ है तो आप रीट्राई कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में ये अच्छी तरह से। अब हमने यहाँ भी लगा दी, अब हम यहाँ पर कुछ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देती हूँ मैं वार्निंग वगैरह तो हो गई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी है ये आप करके देख लीजिएगा खुद, इतना यूज़ नहीं होता ये। टाइम में भी आप टाइम दे सकते हैं, टाइम आप खुद देंगे, ठीक है ना। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ पे आ जाते हैं हम, यहाँ टाइम आप अभी देंगे मेरे सामने, ठीक है ना, और टाइम का आपको पता है कैसे लगता है, क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, कोलन लगाते हैं हम, क्या करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ पे मैं क्या दे रही हूँ, कैरेक्टर्स देने हैं आपने, मिनिमम आप कैरेक्टर दे सकते हैं 5 और मैक्सिमम कैरेक्टर आप दे सकते हैं 20, नहीं मैक्सिमम हम 10 कर देते हैं अभी जल्दी से चेक करने के लिए, और इनपुट वगैरह ये सब लगाना आता है आपको, मिनिमम 5। अगर मैंने यहाँ पर, अरे हो, यहाँ पर मैंने क्या, ठीक है 4 है इसलिए इसने एरर दे दिया। अब इनपुट वगैरह आपको पता है, यहाँ पर मैंने पूरे दिए तो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अगर 15 से कम आप ज़्यादा देंगे तब भी एरर देगा, तो ये चीज़ हो गई, आ गई समझ में। इसमें यहाँ पर वैलिडेशन हमने लगा दिए, सही है, वैलिडेशन क्लियर करनी है आपको, मैंने बताया, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके डेटा वैलिडेशन में जाके आप और यहाँ पर जो है क्लियर ऑल कर देंगे आप, क्योंकि ये नीचे तक सेलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए एरर दे रहा था ये, ठीक है ना। हो गया सर्कल इनवैलिड, हो गया क्लियर वैलिडेशन, सर्कल हो गया आपका, यहाँ पर आपने देख लिया, टेक्स लेंथ हो गई आपकी। अब लिस्ट, लिस्ट के लिए हम कोई फाइल खोलते हैं ताकि आपको ईजिली समझा दूँ मैं, कोई चीज़ हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मेरी 2 शीट खुली हुई है, मुझे ये लिस्ट जो है चाहिए, ठीक है ना, ये लिस्ट मुझे जो है चाहिए, और ये लिस्ट मैं जो हूँ यहाँ पर लाना चाहती हूँ, या ये लिस्ट मैं किसी और शीट पे लाना चाहती हूँ, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर बताती हूँ, आप किसी और शीट पे भी ला सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये लिस्ट लाना चाहती हूँ मैं, ये ठीक है। डेटा वैलिडेशन में आ जाएंगे हम, डेटा, डेटा वैलिडेशन, ठीक है ना, लिस्ट सही है, सोर्स मेरी क्या है लिस्ट की, ये ठीक है, आ गए, ओके कर दिया। अब यहाँ पर इनपुट आप क्या देंगे, इनपुट आप देंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में देंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है ना, चले दे देती हूँ मैं ताकि आपको आइडिया रहे। इंफॉर्मेशन कुछ भी दे सकते हैं आप, मैं जो दे रही हूँ मेरे जहन में अभी आया है तो मैं दे रही हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द लिस्ट, हसनैन, ठीक है। यहाँ पर एरर अलर्ट में हम दे देते हैं स्टॉप लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम दे देते हैं रॉन्ग, इनवैलिड, क्योंकि हम उसमें बता चुके हैं तो हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये है, यहाँ पर मैंने लिया, देखिए लिस्ट के सारे नाम आ गए, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये आ गया, लेकिन यहाँ पर आके मैं टाइप करती हूँ क्या कह रहा है ये, रॉन्ग इनवैलिड नेम, रीट्राई, रीट्राई का मकसद है कि आप यहाँ लिस्ट में से जो है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है ना, सही है, या टाइप वो करें जो उसके अंदर मौजूद है।
तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। ये थी हमारी डेटा वैलिडेशन की कमांड जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, अब एक्सेल में आज मैं फाइवर वगैरह का नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक हम क्लास रखेंगे जिसमें वह ये सारी डेटा माइनिंग क्या होती है, फाइवर पे किस तरह से हम डेटा माइनिंग को सर्च करते हैं, फिर फाइवर पे आपको अकाउंट बनाना भी बताऊँगी मैं, ठीक है। तो आज आपने अभी एक एक को करके आपने सबसे पहले मुझे डेटा वैलिडेशन आपने टाइम की लगा के दिखानी है, ठीक है ना। फिर आपने इनपुट और अलर्ट बॉक्स करना है, अभी 15 मिनट हैं, इसमें जाके आप लोग कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।